2018 से बॉन्ड के अंदर 16,000 करोड़ पार्टियों को दिया गया था, जिसमें से 57% भाजपा को गया था, और उसका उन्होंने इस्तेमाल केवल अपना प्रचार करने में लगाया, सबको खरीदने में लगाया। जाहिर सी बात है, ये तो बात सही है कि करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए जो है ना इन चुनावी बॉन्ड के दौरान के थ्रू इन्होंने जमा करा है बीजेपी पार्टी ने। और 17-18 में अरुण जेटली जी थे, उन्होंने इसको लॉन्च करा था, उन्होंने तभी बोला था कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा, ये अपारदर्शिता है। चुनावी चंदा कहाँ से मिल रहा है, कौन किसको दे रहा है, वो अपने किस हित को साधने के लिए पार्टियों को चुनावी चंदा दे रहा है, कम से कम जनता को पता होना चाहिए, सीधी सी बात है जी। तो इसलिए उन्होंने जब ये बात उठाई थी तो ये सही बात उठाई थी, लेकिन उस वक्त इस बात को दबा दिया गया था, ठीक है, और चंदा सब पार्टियों को मिला, लेकिन उन्होंने इस बात को फिर भी गलत ठहराया था। और आज अगर हम हिसाब लगा के देखें तो 17-18 के बाद से, जब से चुनावी चंदे की बात शुरू हुई और ये बॉन्ड की बात शुरू हुई, उसके बाद से 2023 तक आखिर तक करीब करीब 6,500 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा जो है वो अकेले सिर्फ बीजेपी को मिला, जो कि बाकी सारी पार्टियों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है। तो भ्रष्टाचार तो साफ साफ हुआ है, और चुनावी चंदे का उपयोग किस तरह से बीजेपी ने अपने लिए कराया वो सबने देखा। आज अभी भी हम देखें कांग्रेस को तो 24 अकबर रोड पे ही बैठी है, सरकारी बिल्डिंग में बैठी है, और बीजेपी का जो ऑफिस है आप वो जाके देखिए क्या 5-star होटल की तरह उन्होंने बना रखा है। करीब करीब जिसमें बताया जाता है कि 1200 करोड़ रुपये लगभग इसमें लगे ऑफिस बनाने में उनका, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और उसी के सामने उन्होंने केंद्रीय कार्यालय विस्तार बनाना शुरू कर दिया है, जो अभी बन रहा है और काफ़ी हद तक कम्प्लीट भी हो चुका है। उसके बारे में भी करीब करीब ये सुनने में आ रहा है कि 300 से 700 करोड़ के बीच में उसकी लागत है। और इसी तरह तमाम देश है, पूरे देश में, पूरे राज्य में, लगातार हर राज्यों में अपने अपने ऑफिस खोलने में लगी हुई है बीजेपी। तो कहाँ से खोल रही है वो, कहाँ से उसके पास इतना पैसा आ रहा है? ये जो चुनाव के दौरान इनको चुनावी चंदों के तौर पर मिला, उसी के पैसे का तो इन्होंने इस्तेमाल करा, वही पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं उसका ये। बस अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो अब इनकी हवा खराब है जी। राहुल गांधी ने भी कहा है कि दलित, आदिवासी और भी जो जातियां हैं इनका कभी विकास नहीं होना देना चाहती है मोदी जी। सबने देखा दलित आदिवासी जी हमारी जो है राष्ट्रपति महामहिम जो है उन्हीं को आप देख लीजिए, सबसे पहले उनको राष्ट्रपति तो बना दिया गया, लेकिन राष्ट्रपति बना के करा गया, रबर स्टैंप बना के उनको छोड़ दिया। जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो उनको नहीं बुलाया गया, जब राम मंदिर की शिलान्यास हुआ उनको नहीं बुलाया गया, राम मंदिर का जब वो इसमें अभी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पहले तो उनके पास निमंत्रण ही नहीं भेजा गया था, उसके बाद किसी तरह जब सोशल मीडिया पे इधर उधर सब जगह चला काफ़ी निमंत्रण की बात, तो उसके बाद उन्हें निमंत्रण भी भेज दिया और उसके बाद फिर ये वो पहुंची भी नहीं वहाँ पे, लेकिन किसी मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, राष्ट्रपति वहाँ पे क्यों नहीं पहुंची। तो जाहिर सी बात है वो तो दोहरी मानसिकता उनके सबके सामने आ ही जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं जी? मैं ये कहना चाहता हूँ जो सरकार जो है केजरीवाल की सही है दिल्ली में। अच्छा जी मैडम, 1 सेकंड, जब हम वोट देते हैं तो हम नहीं फर्क पड़ते हैं, तो हम इसमें गरीब और अमीर की बात नहीं है, गरीब वही होते हैं, जनता बोलता हूँ मैं, जनता गरीब होते हैं और जनता अमीर भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं पॉलिटिक्स में जो पैसा पाने के बाद उन्हें वोट देना ही रहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाते हैं। जैसे गांव में मैं देखता हूं, अभी भी देखता हूं, बहुत से ऐसे गांव है जहां पर अभी पानी नहीं आती है। अच्छा, मैं बिलोंग कर चुका हूं बहुत से ऐसे गांव में जहां लाइट नहीं है अभी तक, बहुत से ऐसे गांव है जहां पर अभी शौचालय का उपयोग नहीं हुआ है। आज भी लोगों में, गाँव में देखता हूँ तो लोग शौचालय के बजाय खेतों में जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, मैं देखता हूँ, मैं बिलोंग कर चुका हूँ, हर जगह मैं देखता हूँ जी। ठीक ठीक, क्या लगता है, कह रहे हैं कि किसान का शोषण करना चाह रहे हैं मोदी जी, राहुल गांधी ऐसा कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल राहुल गांधी जी एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, और राहुल गांधी आज से नहीं, शुरू से वो किसान लोग का शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या ऐसा माइंड में चल रहा है जो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसान का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, किसान की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आज हमें ये चीज़ समझ में नहीं आता है। एक चीज़ कहने का मतलब ये है कि उनको मालूम होना चाहिए कि वही सिख भाई, उनके गुरु ने, तेज बहादुर साहेब जिनका यहाँ पे गुरुद्वारा है सीसगंज, उन्होंने हिंदुओं के लिए कुर्बानी दिया था मुगल के समय में, ये चीज मालूम होना चाहिए सबको। हिंदुओं को मुगल से बचाया गया था कि अगर उस समय ये गुरु अगर नहीं बचाते हैं तो, कहने का मतलब है आज के डेट में हर एक हिंदू वो मुस्लिम होता। आज वही जनता आज उसी गुरु का विरोध कर रही है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने हर एक कदम कदम पे हिंदुओं का साथ दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? आज उनकी बारी आई तो आज आप उनको खालिस्तानी बता रहे हो, आज उनको विरोधी बता रहे हो, आज उनको आज आप आतंकवादी बता रहे हो, ये कहाँ का विरोध है जी? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक,
तो मोदी जी की तो बात ही आजकल समझ से बाहर हो चुकी है। मुझे लग रहा है मोदी जी को स्मृति विलोप होना शुरू हो गया है, डिमेंशिया हो गया उन्हें। वो क्या कहते हैं, क्या बोल जाते हैं और क्या कह जाते हैं वो खुद ही भूल जाते हैं। मोदी जी ने कभी वादा करा था कि मैं किसी को गरीब रहने नहीं दूंगा, कभी वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कभी वो कहते हैं कि हमने महंगाई खत्म कर दी। तो वो कहना क्या चाहते हैं एक बार तय तो कर लेंगे, वो बोल क्या रहे हैं। कभी वो कहते हैं मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं भूखा भुखमरी बढ़ रही है। ये क्या कह रहे हैं वो, एक तरफ तो बैठे कम से कम, जो हमें भी तो पता चले। मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। ये भी बोल रहे हैं राहुल गांधी कि उनका डोगलापन है, कि वो कभी कहते हैं कि देश में सिर्फ अमीर और गरीब है, फिर वो अपने आप को ही सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं। हाँ, यही बात मैं उन्हें कह रहा हूँ, मैंने बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। मुझे लग रहा है वास्तव में अब मोदी जी की जो याददाश्त है बहुत कमजोर पड़ने लगी है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था देश में सिर्फ चार जातियां हैं, महिला है, किसान है, युवा है और जो श्रमिक है। हाँ, तो उसके बाद वो आगे के नहीं, देश में सिर्फ दो जातियां अमीर और गरीब, उसको छोड़ के फिर उन्होंने फिर अपने आप को जीना ठोक के कहना शुरू कर दिया कि मैं ओबीसी हूँ। तो आप किसी एक स्टैंड पे तो रहो, या तो आप ओबीसी एससी एसटी की बात करो, या आप उन चार जातियों की बात करो जो आपने करी, या फिर आप दो जातियों की बात करो कि अमीर या गरीब है। खुद ही कहते हैं, खुद ही भूल जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलता। झूठ बोलना उन्होंने इतना शुरू कर दिया, तो झूठे आदमी को कुछ याद ही नहीं रहता कि मैंने बोला क्या था और क्या नहीं बोला था। हाँ। आज क्या बोला और कल मैं क्या बोलूंगा, और झूठ बोल के बंदा निकल जाता है, याद उसे रहता नहीं कि मैं पिछले दिन क्या झूठ बोल के जनता के सामने गया था। हाँ। बस यही कहानी है उनकी। हाँ। तो लगातार विपक्षी बोल रहा है कि किसान को ठगा जा रहा है, देश को ठग रहे हैं मोदी जी। कितना आप इस बात से सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हूँ जी, मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ। देश को पूरी तरह ठगा जा रहा है। देश के हालात आज ऐसे कर दिए हैं कि बुरी तरह देश कर्ज के दलदल में डूब चुका है। आम जनता के पास अपने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, रोजगार के लिए जनता परेशान है। इतनी सड़कों पे हर जगह किसान भी सड़कों पे हैं, नौजवान भी सड़कों पे हैं, नौकरियां निकल नहीं रही हैं और काम धंधे ठप हुए पड़े हैं। सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग जो है वो सारे के सारे आज की डेट में ठप हुए पड़े हैं। जो उन्होंने कभी नोटबंदी के टाइम से उन पर ऐसी मार करी कि आज तक वो लोग उभर नहीं पाए हैं। और नोटबंदी से हासिल क्या हुआ था, एक पेटीएम, डिजिटल इंडिया का बड़ा जबरदस्त नारा देके पेटीएम करो पेटीएम करो, और आज पेटीएम की हालत देख लो। जिन लोगों के पेटीएम में अकाउंट है, पेटीएम बैंक है, वो आज ठप हुआ पड़ा है। कंडीशन तो देखिए ना, आप 7 सालों के अंदर उन्होंने क्या कर दी, बड़े जबरदस्त तरीके से नोटबंदी करके 1000 रुपए का नोट बंद करके 2000 का नोट लिया है, और 2000 का नोट भी उनका 7 साल भी नहीं चल पाया। पिछले साल सितंबर में वो भी बंद कर दिया। तो कैसे इकोनॉमिस्ट हैं वो, कैसी वो जानकारी देना चाहते हैं देश को, कैसी लीडरशिप देना चाहते हैं वो, कुछ नहीं है। सिर्फ धार्मिक उन्मादता जो है वो फैलाना चाहते हैं, धर्म 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 के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं, और उसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है देश के लिए कि देश प्रगति कैसे करेगा। देश को कर्ज के जाल में डुबोए जा रहे हैं लगातार, विदेशी कर्ज के जाल में देश डूबता जा रहा है, आने वाली पीढ़ियों का भुगतान करना पड़ेगा और बहुत महंगा पड़ेगा ये जी। ये क्या लगता है, बोला जा रहा है जिस तरीके के कठोर कानून किसान के लिए लाए जा रहे हैं, उनको मजबूर करने के लिए लाए जा रहे हैं, उनका शोषण करने के लिए लाए जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैम, क्या है बेरोजगारी तो है ही। पहले क्या था, जो पहले महंगाई थी तो उसके हिसाब से मजदूरी भी मजदूरों को मिलती थी। अब महंगाई बढ़ गई है, उसमें 100 रुपये मजदूरों के लिए बढ़े हैं। पहले 400 मजदूरी थी, अब 500 रुपये मजदूरी मिल रही है। अब उसमें एक वो क्या कर सकता है, गरीब आदमी क्या करेगा, मतलब मजदूरी भी आज की ऐसी स्थिति है ना, अगर 500 रुपये में पहले वो सारे थैला भर के सामान ले आता था, आज के ज़माने में वो 500 रुपये में उसके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। तो बेरोजगारी तो है ही। हाँ। वो तो बोलते हैं कि हमने ये करा है वो करा है, बस झूठे मुद्दे झूठे वादे करते हैं। काम तो किया है लेकिन उसके पीछे, काम तो उन्होंने बहुत किया है लेकिन जो जिसके लिए चाहिए रोजगार, जिसके लिए उनको रोजगार मिल नहीं रहा है, है? सब ठीक ठीक। क्या लगता है, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ इन 10 वर्षों में देश को ठगने का काम किया है, झूठे वादे दिए और झूठे सपने दिखाए। राहुल जी के बारे में तो सब कोई जानते हैं, उसमें कोई कहने की तो बात है नहीं। हाँ। लेकिन ऐसा जो ये बोल रहे हैं ये ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ऐसा है नहीं? नहीं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। अभी लोगों को कष्ट हो रहा है उसके अंदर में, और कष्ट जिनको हो रहा है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनको ज़्यादा कष्ट हो रहा है, जो कि निकाला जा रहा है धीरे धीरे करके। अब उसमें अब ये बेरोजगारी का मुद्दा तो 70 साल पहले 80 साल पहले भी यही था, आज भी वही है, तो उसमें चेंज कहाँ से हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी पहले भी थी और आज भी है। और कह रहे 45 सालों सबसे ज्यादा बेरोजगारी है अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने युवा से आप पूछोगे जो, हाँ, जो करने वाले हैं, जो नहीं करना जिसने वो तो कहेगा ही कहेगा कि भैया बेरोजगारी फैल रही है, बाकी जो करने वाला है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है, कर सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है।
चुनावी चंदा को लेके राहुल गांधी ने बोला है कि मोदी जी अपने जो पावर है अपना उसका गलत इस्तेमाल उठाते हैं, क्या लगता है? तो उन्होंने गलत थोड़ी बोला है, राहुल जी हमेशा सच बोलते आए हैं। अभी तक उनकी सारी आप भविष्यवाणियां पिछली उठा के देखो, सारी की सारी सच निकली। कोरोना काल में जो उन्होंने कहा था कि डिजास्टर आने वाला है जबरदस्त, इस पे ध्यान दो, उन्होंने नहीं दिया। क्या हाल हुआ देश का सबने देखा। नोटबंदी के टाइम पे उन्होंने चेताया था कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं होने वाला, छोटे श्रमिक है, लघु उद्योग वाले हैं और जो छोटा वर्ग है वो सारा का सारा इससे परेशान हो जाएगा। हालत पूरे देश ने देखी। उसके बाद जो जो उनकी बात, उन्होंने कहा चीन से हमारा जो बार बार बढ़ता जा रहा है, चीन हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है, चीन पे ध्यान दो, उन्होंने चीन पे ध्यान नहीं दिया। हालत देख लिया कि 46,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन जमीन कब्जा के बैठा हुआ है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला है, ठीक बोला है, कोई गलत नहीं बोला उसमें।